हे गाइस, उम्मीद है आप खुद को साफ और सेफ दोनों रख रहे हैं। बहुत जरूरी है हम सबका इस वायरस से बचना, जागरूक रहना और इससे जुड़ी हर खबर के बारे में पता होना। इसलिए हेलो लाया है फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस इनिशिएटिव, जिसके जरिए आपको इस वायरस से जुड़े हर सेफ्टी मेजर और हर खबर के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। स्टे सेफ, डाउनलोड दी हेलो ऐप नाउ। लक्ष्मी का अपने घर में पूरा दबदबा था। हिटलर की तरह वो सारा काम अपने पति और बेटे से करवाती। धीरे धीरे उसके पति की तबीयत खराब रहने लगी। सुनो जी, अब आप बुजुर्ग हो गए हो, काम में भी अब हाथ आपके फुर्ती से नहीं चलते। अरे भाग्यवान, भगवान से डर, तुझसे मैंने शादी अपने इकलौते बेटे के अच्छे पालन पोषण के लिए की थी, लेकिन तूने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने क्या किया? पढ़ाया लिखाया, अब नौकरी नहीं लग रही तो मैं कैसे जिम्मेदार हो गई? अब घर में बैठकर रोटी तोड़ रहा था तो मैंने कहा काम ही कर ले, एक तो भला करो और ऊपर से बातें सुनो। तभी सारंग वहां आ जाता है। बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो। अब तुम्हारे पापा कहा तो चल नहीं रहा है, मैं ही जा रही हूँ आज किचन में, बनाती हूँ कुछ। हे भगवान, कैसे होगा इतना काम मुझसे। लक्ष्मी किचन में काम कर रही होती है कि तभी अचानक उसे आइडिया आता है। अरे मैं भी ना, अरे यहाँ तो फ्री की नौकरानी ला सकती हूँ मैं, फिर मैं क्यों खाना बना रही हूँ। उस दिन लक्ष्मी सारंग की पसंद का खाना बनाती है और बैठकर उसे बड़े ही प्यार से खिलाती है। खा ले बेटा, खा ले, पेट भर के खा ले। अरे रुक, मैं तेरे लिए ना गर्मा गर्म रोटियां लाती हूँ। सारंग और उसके पिता एक दूसरे की ओर बड़े ही हैरानी से देखते हैं। बेटा सारंग, जरूर दाल में कुछ काला है, वरना ये औरत तो हमें बासी खाना भी सुकून से ना खाने दे। सुनील की बात लक्ष्मी सुन लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे हाँ हाँ, भलाई का तो समाना ही नहीं रहा, एक तो आग में खुद को जलाकर तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ और ऊपर से तुम्हें दाल काली लग रही है। अरे माँ, पिताजी का ये मतलब नहीं था, तुम बुरा मत मानो। अरे हाँ बेटा, तू कहता है तो मान लेती हूँ। लक्ष्मी सारंग के पास बड़े ही प्यार से बैठ जाती है और फिर कहती है, बेटा मैंने ना तेरी शादी करने की सोच ली है, अब तेरे पिताजी के हाथ भी नहीं चलते, तो सोच रही हूँ तेरे लिए बीवी ले आऊं, अब पता नहीं ना मैं भी कब मर जाऊं। अब ऐसे भाग्य भी कहाँ है हमारे। क्या कहा? अरे हाँ हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपनी प्यारी बहू का चेहरा देखे बिना नहीं मरूंगी। हाँ माँ, शादी तो मैं कर लूँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं करता, फिर कोई क्यों देगा मुझे अपनी बेटी? अरे क्यों नहीं देगा बेटी, इतना बड़ा घर खेल खलियान है, किस चीज की कमी है हमारे पास, जो आएगी राज करेगी राज। हम तो ना कर पाए राज, ये बोलो कि एक और नौकर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अरे खुद के घर का खाना बनाएगी तो क्या नौकरानी हो जाएगी? अब तुमसे तो किचन का काम होता नहीं, तो कोई तो करेगा ना। ठीक है माँ, तुम जैसा सही समझो, बस अब मेरी एक शर्त है, लड़की जो भी हो, वो दिखने में कैसी भी हो या कहीं की भी हो, बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे हाँ हाँ, ला देंगे पढ़ी लिखी बेटा, मैंने कौन सा काम करवाना है उससे। हाँ। और फिर एक दिन पास के गांव की ही रति से सारंग की शादी हो जाती है। रति दिखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ ही साथ काफी पढ़ी लिखी थी। रति को लक्ष्मी के सौतेले होने की बात पता नहीं थी। शुरू शुरू में जब रति ने सारंग को घर का काम करते देखा
तो हैरान रह गई। अरे ये तो अच्छी बात है कि आप घर का काम करते हैं, लेकिन मैं तो घर में ही हूं ना, आप क्यों कर रहे हैं जी? जाइए, आप नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए ना। तभी लक्ष्मी वहां आ जाती है। अरे रति बहू, कंधे दे उसे काम। और हाँ, मेरे घर के कुछ नियम है, कायदे हैं, यहाँ बीच में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रति को लक्ष्मी की बात कुछ अजीब सी लगती है। वो समझ नहीं पाती है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन उसे लक्ष्मी के सौतेले होने के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक दिन तो हद ही हो जाती है।